ये बहुत दुखद समाचार है कि और हमारे साथी जो अपने ड्यूटी पे काम करते हुए कोरोना से संक्रमित होकर हमसे दूर चले गए हैं। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने की खबर थी और वो उज्जैन निवासी हैं, तो डिटेल के बारे में उज्जैन सी में जो बता पाई। सर, शहर के अंदर कई ऐसे सर आज का आंकड़ा क्या रहा है, पॉजिटिव मरीज कितने आए हैं, कितने की डेथ? कल जो 18 लोगों की सूची रात में जारी हुई है, उसके बाद अब इंदौर जिले में 915 लोग पॉजिटिव अभी तक हैं और मृत्यु की संख्या में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई थी और इंदौर जिले के 52 मृत्यु हुई हैं। सर, कितने सैंपल्स कल जांच के लिए भेजे गए? कल 273 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, उसमें से कितने पॉजिटिव आए? 18 बताए मैंने आपको, क्या इंदौर जिले के 18 पॉजिटिव आए हैं। स्टाफ है जिनको कोरोना पॉजिटिव आ चुका है, लोगों को क्या, अधिकारियों को क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए कि वो इस बीमारी से बच सकें? बहुत, आपने बहुत उचित बात कही है और आपके माध्यम से मैं न सिर्फ अधिकारियों बाकी जन सामान्य को भी ये बताना चाहूँगा कि इसका एकमात्र जो उपाय है वो सोशल डिस्टेंसिंग है। अगर आप अपनी सावधानी बरतते हैं कहीं भी किसी भी कार्य को करते हुए, भले ही किसी की मदद करने जा रहे हो या अपनी ड्यूटी निभाने जा रहे हो, आप एक सोशल डिस्टेंसिंग रखें और जो बैरियर मेथड्स हैं, चाहे वो मास्क हो, ग्लव्स हो या कैप हो, इन सब चीज़ों का जरूर उपयोग करें और सैनिटाइजर का उपयोग यदि नहीं कर पाते हैं तो कम से कम हर नियमित अंतराल के बाद हाथ को साबुन से अच्छी तरह से 20 सेकंड तक धोते रहें। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो दिखने में बड़ी छोटी होती हैं पर इनका इफेक्ट वास्तविक जीवन में बहुत बड़ा है।